क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैर से आपको शेयर तंदुरुस्ती है तो आपके कारोबार वाले। तो आज मैं आपके साथ आलू शिमला मिर्च की रेसिपी शेयर करी जो कि कुछ इस तरह है। ये एक अदद दरमियाने प्याज है दरमियाने साइज का, जो कि मैंने डेढ़ कप इसी चम्मच में ऑयल डाल के मैंने इसको ब्राउन कर लिया। इसमें मैंने इसके साथ ही हमने 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। 1 टीस्पून लहसुन अदरक पेस्ट डाला मैंने। अब 1.5 टीस्पून मैंने इसमें पिसी हुई मिर्ची डाल ली है। हाफ टी स्पून हल्दी डाल ली इसमें मैंने। और नमक डालना इसमें मैं 1 टीस्पून नमक डालना है। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है। मसालों को हमने अच्छे से भून लेना। और ये टमाटर भी बस 4 टमाटर है मेरे दिमाग से, इनको काट के इसमें डालना हमने। ये शिमला मेरी आधा किलो है और आलू भी मेरे तकरीबन आधा किलो ही है। दोनों चीज़ें मेरी बराबर सेम है। तो ये यानी आधा किलो शिमला और आधा किलो आलू, तो उसके हिसाब से ये मसाला इस तरह है। अगर आप मसाला ज़्यादा क्वान्टिटी में डालनी हो तो इस हिसाब से आप मसाले को बढ़ा सकते हैं। शिमला आलू ज़्यादा करनी है तो ये बहुत आसान और बहुत ईजी रेसिपी है, तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से ये तैयार हो जाती है, इसमें ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती। तो चलिए प्याज इसके साथ ही मैंने अब इसमें टमाटर डाल लिए हैं काट के। विवेक ये टमाटर मैंने इसमें काट के डाल लिए हैं। अब इसका पानी खुश्क होने तक और मसाला भुनने तक इसको हमने 5 मिनट तक अच्छे से भूनना है, यहाँ तक कि इसका ऑयल अलग हो जाए, मसाले का और मसाला अलग हो जाए। उसके बाद हमने अपनी बाकी की सब्ज़ी डालनी है इसमें। बस ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून गया है, ऑयल और मसाला अलग हो गया। अब इसमें हमने पहले आलू डाल लें क्योंकि आलू टाइम लगेगा थोड़ा गलने में। इसलिए आलू डाल लें, 10 मिनट इसके अंदर हमने करना है, हल्की आँच रखना है ताकि आलू गल जाए हमारा। इसके बाद हमने इसमें शिमला ऐड करनी है। चलिए अभी बस ये आलू हमारे हो चुके हैं तकरीबन, थोड़े से गल गए, थोड़ी ये शिमला डालूंगे तो इसके साथ गल जाएंगे। अब इसको हम लो फ्लेम पे रख देंगे, इनकी दम वाली आँच पर रख देंगे। तो ये दम वाली आँच पर रख के इसको फिर हमें 10 मिनट बाद चेक करना है। बस 10 मिनट हो चुके हैं, हम चेक करते हैं। ये देखिए हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। आलू भी मेरे गल गए तकरीबन, ये देखिए गल गए आलू बिल्कुल मेरे। और ये रेसिपी आपने एक बार मेरी ज़रूर ट्राई करनी है, ये बहुत मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो बस अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।